ओके वेलकम बैक गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए फ्रेश वीडियो और अपडेट के अंदर। और हम लेके आ चुके हैं दोस्तों पांच बड़ी मेजर न्यूज और अपडेट। सबसे पहले दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे ना, उससे पहले आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को करके टेलीग्राम चैनल मस्ट जरूर फॉलो करना, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करेंगे हमारे इंडिया से। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा खलबली मच चुकी है फिर से और मैंने इसको टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया, इसलिए हमेशा बोलता हूँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबसे पहले सटीक अपडेट्स पहुंचती रहती है। तो भैया अभी जो है ना फिर से खलबली मच चुका है, वजीर एक्स जो लग रहा था कि अब फिर से थोड़ा सा अपना ट्रस्ट को गेन करेंगे, फिर से उस पर गाज गिर चुका है। और ईडी ने यहाँ पर रिवील किया है यार दोस्तों कि भैया अभी तक जो है ना उन्होंने 907 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। जी हाँ दोस्तों, और ये जानकारी जो है अगर हम बात करें वित्त मंत्री जो वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी जी, उन्होंने ये चीजें रिवील की है और ये चीज न्यूज़पेपर में भी आया था, बशर्ते मैंने शेयर भी किया था आप सबको टेलीग्राम के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर जो है तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और भाई कहीं ना कहीं बहुत बहुत मेजर कंसर्न है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, ऑलरेडी आप सबको मालूम है, वजीर एक्स के ऊपर जो है सबसे बड़ा यहाँ पर गाज गिरा था जो कि काफी ज्यादा कंसर्निंग था। अभी भी जो है वजीर एक्स के डायरेक्टर और वजीर एक्स के आई थिंक अगर बात करें तो 289 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त किया है। तो भाई वजीर एक्स तो अभी भी जो है नंबर वन के रेस से तो अब कहीं ना कहीं भाई दूर जाएगा क्योंकि खलबली मच गया है। तो अगर सतर्क रहना, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखो। देखो जब ये बुल रन नहीं था ना, उससे पहले की मैं बात बताता हूँ, 2017-18-19 इतनी एक्सचेंजेस नहीं थे, जिने चुने लगभग 8-10-12 एक्सचेंजेस थे, छोटे मोटे कुछ एक्सचेंजेस थे, इतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन इस बुल रैली के अंदर बहुत सारे न्यू एक्सचेंजेस उभर के आए हैं, एक्सचेंज के भाई हम ये फीचर दे रहे हैं वो फीचर दे रहे हैं, लाजवाब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कहां से मार्केट से पैसा उठा के यहां पर ये काम कर रहे हैं, बैंक से पैसा उठा के यहां पर ये काम कर रहे हैं। जब बुल रैली था पैसा तो खूब बना, बट जब बियर मार्केट आया ना तो वहां पर ये अपना असली जो रंग है वो दिखाना स्टार्ट कर गया, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन क्रिएट है। और कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट गेन हो रहा था ना मार्केट को लेके, क्रिप्टो को लेके, कहीं ना कहीं अब वो फिर से दूर होने लग रहा है, जैसा कि दिख रहा है दोस्तों सिचुएशन को देख के। यही नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो भैया फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जो थे ना, बोरिस जॉनसन, उसके भाई जो कि बाइनांस के एडवाइजरी के अंदर शामिल थे दोस्तों, उन्होंने भी अब इस रोल के लिए रिजाइन दे दिया है। तो कहीं ना कहीं भाई बाइनांस को भी लेके जो फट जो था वो अब और गर्मा गया कि भाई क्या उसके अंदर गड़बड़ थी, जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, उसके भाई एडवाइजरी में शामिल थे, वो क्यों छोड़ दिया, भाई क्या इसके अंदर गड़बड़ है। भाई कंसर्निंग तो है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से थोड़ा सा दूरी बना लो यार, मैं तो यही कहूंगा, या तो डेक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाओ या फिर हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर शिफ्ट रहो, थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा। रखो कम सम फंड को, रखो थोड़ा बहुत फंड रखो, है ना, ज्यादा मत रखो। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी न्यूज की, तो भैया यहाँ पर डॉज क्वाइन जो है फ्लिप कर दिया है हमारे क्वाइन बेस क्वाइन को। जहाँ दोस्तों मार्केट कैप के मामले में क्वाइन बेस क्वाइन का जो मार्केट कैप है टोटल, उससे ज्यादा यहाँ पर डॉज क्वाइन का हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। ओ कहीं मेरे भाई का ये क्वेश्चन आएगा ना यार, क्वाइन बेस का क्वाइन नजर कहाँ आ रहा है भाई, क्रिप्टो के ऊपर नहीं ना नजर आ रहा। तो दोस्तों आपको बता दूं क्वाइन बेस यूएस स्टॉक के ऊपर लिस्ट है उसका क्वाइन। जी हाँ दोस्तों, फॉरेक्स एक्सचेंज फॉरेक्स ट्रेडिंग करके आप जो है इस क्वाइन को बाय कर सकते हैं, जैसे टेस्ला जहां पर लिस्टेड है, जहां पर एप्पल का आई थिंक स्टॉक लिस्टेड है, वहीं पर क्वाइन बेस का क्वाइन भी लिस्टेड है। ये क्रिप्टो के अंदर लिस्टेड नहीं है, ये क्रिप्टो क्वाइन नहीं है, ये अपने आप को एक कंपनी कहती है और फॉरेक्स एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्टेड है। अब अगर आप चाहते हो इंडिया के अंदर तो इंडिया मनी नाम करके एक्सचेंज है या दोस्तों, जहां से आप इजीली बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको जो है मैं दे दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर भी जाके ज्वाइन कर लेना। और जितने भी फॉरेक्स के स्टॉक्स है, इंडियन स्टॉक्स है, सब कुछ वहां पर से इजिली वन साइट के ऊपर बाय कर सकते हो। इसके बारे में मैंने पहले भी शेयर किया था आपको टेलीग्राम के ऊपर, है ना, म्यूचुअल फंड फॉरेक्स ट्रेडिंग। देन दोस्तों अगर हम बात करते हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर, सभी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और क्वाइन बेस जो कि एक लेजेंडरी एक्सचेंज है, 2013 से अभी तक रन कर रहा है, उसका भी क्वाइन आपको वहां पर मिल जाएगा, तो आप चाहो तो उसके अंदर भी अपना पोर्टफोलियो या SIP बना सकते हो, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों किशु इनू के बारे में। जहाँ दोस्तों किशु इनू ने यहाँ पर रिवील किया है कि भैया किशु स्वैप एक्स जो है यहाँ पर बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर
क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन्स लाइव हो चुका है। इसके साथ साथ 22 से भी ज्यादा ब्लॉकचेन से 16,000 से ज्यादा टोकन्स यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए लाइव हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है काफी अमेजिंग थिंग्स है। देखते हैं बाकी इसके अंदर और क्या क्या अपडेट्स आती है और क्या क्या चीजें लेके आती है किशू स्वैप एक्स। जी हाँ दोस्तों, और कितना धमाका करता है। फाइनल लास्ट मेगा न्यूज की बात करते हैं बिटगर्ड से रिलेटेड, बी राइज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने भैया डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस के बारे में बातें की हैं कि भैया डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस जो हमारा अंडर प्रोसेस है, अंडर डेवलपमेंट्स में आ चुकी है, क्योंकि एक्सचेंज तो ऑलरेडी इसका लाइव हो ही चुका है। तो दोस्तों इनका कहना है कि बहुत ही जल्दी हम जो है डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस को भी लाइव कर देंगे, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है, एक और बड़ा धमाका आप कह सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ न्यूज और अपडेट्स से आशा करता हूं कि वीडियो और ये न्यूज अपडेट आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करना यार। पहली बार अगर चैनल पे आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जोड़िए फॉलो करना। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट मैच की तरह। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।